महोबा में जीरो टॉलरेंस के तहत अपराध की रोकथाम में शहर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गांव के पहाड़ के आसपास संचालित हो रहे अवैध असलाहा फैक्ट्री पर पुलिस ने छापेमारी कर इसका भंडाफोड़ कर दिया है। अवैध असलाहा फैक्ट्री का संचालन करने वाले दो शातिर अपराधियों को धर दबोचा गया। पुलिस ने मौके से बने अधबने तमंचे कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बड़ी मात्रा में बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। महोबा जनपद की पुलिस अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता के निर्देश में काम कर रही है। इसी दिशा में महोबा शहर कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के दिसरापुर गांव के बाहर एक खेत में झोपड़ी बनाकर अवैध असलाहा फैक्ट्री संचालित हो रही है। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने तत्काल धरपकड़ के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर शहर कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह और उनके हमराहियों ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर ली। इस दौरान दोनों अभियुक्तों ने भागने का प्रयास किया, मगर पुलिस की सख्ती से नाकामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से दो अभियुक्त उदल यादव और नंदराम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, बड़ी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित असलहे भी बरामद हुए हैं। पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता बताती हैं कि शहर कोतवाली पुलिस की ये कामयाबी है, जिसमें 7 देशी तमंचे 315 बोर के अलावा एक अदद अर्ध 12 बोर की और 6 जिंदा कारतूस के साथ साथ 12 बोर के अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा तमंचा बनाने का फ्रेम और शस्त्र बनाने के उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद हुए हैं। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की। एसपी ने बताया कि दोनों ही आरोपी खेती करते हैं और खेत में ही अवैध असलाहा बनाने का कारोबार कर रहे थे। पुर में भी ये अभियुक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालन करने के मामले में जेल भी जा चुके हैं। देखिए, महोबा पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। इस तरह की सूचना प्राप्त होने पर इसमें एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व स्वयं वहां के इंस्पेक्टर कोतवाली कर रहे थे। इस टीम को कल एक अच्छी इसमें सक्सेस मिली है। इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पकड़ लिया गया, इसका भंडाफोड़ किया गया है। मौके से दो लोग इसमें जो है पकड़े गए हैं, उदल यादव यह ग्राम बिलवई का निवासी है और नंदू उर्फ नंदराम यह भी ग्राम बिलवई का निवासी है। वह इनके पास से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बने व अर्ध बने, साथ में इनको बनाने वाली विभिन्न प्रकार के उपकरण और कारतूस, सब तरह की चीजें इनसे प्राप्त हुई हैं और इसमें जो है इस तरह से बहुत बड़ी कामयाबी थाना कोतवाली महोबा को प्राप्त हुई है। मैम, टीम को कुछ इनाम भी दिया गया है थाना वाली टीम? इनका ये गुड वर्क है, इसके बारे में जरूर इनको जो है पुरस्कृत किया जाएगा। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।